मार्गस्य नेतारं विकारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरूपम्। तत्वार सूत्र पर अपन चर्चा कर रहे हैं और तत्वार सूत्र पर चर्चा करते करते ये जो साता असाता वेदिनी के आश्रय के कारण है, असाता वेदिनी के आश्रय के कारण, उस पर विमर्श कर रहे हैं, है ना। और कल हमने असाता वेदिनी के आश्रय के कारणों में ये विचार किया था, मानसिक परिताप के कारण अंग विकार पूर्वक विलाप करना, क्रंदन करना, रुदन करना, आंसू गिराना, ये सब क्या है, आक्रंदन है। उसके बाद वध की चर्चा आई, परिदेवन मतलब दूसरों को जो है अपने साथ में अच्छे व्यक्ति उनके स्मरण करके रोना, वो भी असाता वेदनी का आश्रय का कारण है, ठीक है ना। कुल मिला के आत्मानुभवन के अतिरिक्त अन्य और किसी भी कार्यों में लगना, जुड़ना, ये सब असाता और विलाप आदि करना, ये सब असाता वेदनी के आश्रय के कारण है, हमें इनसे बचना चाहिए। अब एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया कि जब शोकादि दुख रूप ही हैं, तो फिर इन्हें अलग से क्यों निरूपित किया, बराबर समझे ना, कि ये सब शोकादि किस रूप में, दुख रूप है, तो फिर इन्हें अलग से क्यों बनाया। तो लेकिन उसका तो उत्तर सीधा सीधा है ना, कि भाई कहने के लिए सारे फरसाण एक से, वो भजिया हो, केला वड़ा हो, दाल वड़ा हो, सारे वड़े एक से हैं, सारे कितने फरसाण होते हैं, ये सब एक से हैं, लेकिन एक से होने पर भी सबकी अपनी अपनी उत्पत्ति है, और अपनी अपनी उत्पत्ति और कारणों की अपेक्षा उनको अलग अलग भी कहा जाता है। इसीलिए ये चीज जो जहाँ पे समझने लायक है कि सर्वथा एकपना भी नहीं होता और सर्वथा अनेकपना यानी भिन्नपना भी नहीं होता। तो भिन्नपना किस कारण से, एकपना किस कारण से, एकपना इस कारण से है कि सारे ही दुख रूप हैं, बराबर, इन सब में कहीं पर भी कोई सुख का अंश नहीं है, इस एंगल से एकपना है, और साथ ही साथ ये सब असाता वेदनी के आश्रय के कारण है, इस एंगल से भी एकपना है। लेकिन देखो क्या क्या बोले, उत्पत्ति कारण और अभिव्यक्ति पर्यायों की अपेक्षा इनमें परस्पर भिन्नता है। मतलब क्या रहा, अपन ने सारी परिभाषाओं को देखा ना, कि भाई कोई अलग परिस्थिति में उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि कोई उत्पन्न हो रहा है दुख के कारणों में, कोई मानसिक दुख के कारणों में उत्पन्न हो रहा है, कोई प्रिय के वियोग से हो रहा है, कोई अच्छे व्यक्ति के कारण खेद हो रहा है उसके कारण हो रहा है, यानी सबके उत्पन्न होने के जो तरीके हैं वो सब अलग अलग हैं, बराबर ना। लेकिन और अभिव्यक्ति भी अलग अलग है, अभिव्यक्ति मतलब किस रूप में व्यक्त हो रहा है। कुछ ऐसे व्यक्त होते हैं जैसे जिनमें आंसू होते हैं, विलाप होते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्त होते हैं जिनमें मानसिक चिंता होती है। तो उत्पत्ति का कारण अलग, जैसे फरसाण का एग्जाम्पल अपन लें, तो भाई कुछ तल के बनाए जाते हैं, कुछ सेंक के बनाए जाते हैं, ये कारण की अपेक्षा। फिर अभिव्यक्ति की पर्यायगी, कुछ गोल रहते हैं, कुछ लंबे, सेब भी कितनी जाति के होते हैं, कहने के लिए सब नमकीन है कि नहीं, है कि नहीं सब नमकीन सेब। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने एक दुकान देखी थी भोपाल में, 170 प्रकार के वहां पर नमकीन मात्र सेव, बात समझ रहे ना, 170 प्रकार के। अब आप विचार करके देखो कि कहने के लिए सब नमकीन है, लेकिन सब नमकीन की अभिव्यक्ति और उसके कारण अलग अलग हैं। ऐसे यहां पर है कि इन इन कारणों से असाता वेदनी होता है, वो सारे दुखमयी हैं, सारे कारण कैसे दुखमयी हैं, लेकिन सब अलग अलग। ये सूत्र पढ़ने से पहले मुझे नहीं लगता कि आप लोग दुख और शोक में अंतर समझ पाते हैं,
लेकिन यहाँ बताया है कि छोटा होता है, कम होता है, वो दुख होता है, और विलाप रूप जो होता है वो शोक होता है, स्त्री के वियोग से जो होता है वो शोक होता है। ऐसे करके सब चीजें वहां पर अलग अलग करके बताई है, विचारणीय है, उनको आप थोड़ा सोचिएगा। आगे का सूत्र अपन देखते हैं, ये तो असाता वेदनी की बात हुई। अब क्या कहते हैं, कोई ने पूछा कि भाई एक तो दुखी है और तुम कर्म बांध कर उसे और दुखी करना चाहते हो, ऐसा कोई कह सकता नहीं, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है साहब। एक तो ऑलरेडी बेचारा असाता के उदय में दुखी और तुम कर्म बांध कर उसे और दुखी करना चाहते हो, तो आचार्य क्या कहेंगे? पहले नंबर की बात, हमने जीव को दुखी नहीं किया और हमने जो व्यवस्था बोल रहे हैं ये हमारी बनाई हुई नहीं। एक बात सनातन है दिगंबर जैन धर्म में कि भाई जहाँ व्यवस्था बनाई जाती है वहाँ सुधारी जाती है, वहाँ मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई ही ना हो उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई ये मकान पहले से नहीं बना था, अब बन गया है, तो आपने बनाया है, आपने क्या किया है, मकान को बनाया है, इसीलिए उसमें मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन बहुत सारे जंगल है, आपने बनाया नहीं, तो बनाया नहीं तो आप क्या उसको सुधार सकते हो? हाँ आप बता सकते हो ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे जंगल हैं, ऐसी नदियां हैं, ऐसे तालाब हैं, जो जो कुदरती चीज है उसे बनाया नहीं जाता, उसे बताया जाता है, और जैसा बताया जाए वैसा स्वीकारा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेम बात यहाँ पर आचार्य कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम बात बताएंगे वो हम बना के नहीं बोल रहे, हम बता रहे, और बता रहे कैसे बता रहे कि सर जैसी सर्वज्ञ ने बताई वैसी बता रहे, और सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार बता रहे ऐसा नहीं है, वस्तु के अनुसार सर्वज्ञ ने जाना और सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार आचार्यों ने लिखा और आचार्यों के लिखे के अनुसार हम बता रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझे? तो जैन धर्म में या जैन दर्शन में वस्तु व्यवस्था बदलने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था बनाई नहीं है, यहाँ पर जो है उसे बताया जा रहा है, बराबर। तो इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि वो ऑलरेडी दुखी है और दुखी और आप उसको और असाता बना रहे हो, अरे उसे तो साता बन दो। अरे भाई ये कोई संतुष्टिकरण का मार्ग थोड़ी, दुखी है तो अपनी भूल से दुखी। ये बातें सुनने में बड़ी कठोर सी लगती हैं ऐसा। अच्छा गजब है, व्यक्ति जब दुखी होता है तो अंदर मन से ये चाहता है कि लोग ये कहे कि नहीं 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 तुम्हारे कारण से नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो, वो तो तुम्हारा नसीब खराब है इसीलिए तुम दुखी हो। कभी तकलीफ होती तो कोई से आप ये कह दो कि तुम्हारी भूल है तो वो तुरंत झगड़ा और तो नहीं तुम तो ठीक हो, सामने वाले की भूल है, तो उसे संतोष मिलता है। ये है मनोविज्ञान है कि व्यक्ति को अपने आप अगर कुछ कहो तो दुखी लगता है और अगर सामने वाले के नाम से कह दो तो उसे मानसिक रूप से क्या लगने लगता है, संतोष लगने लगता है। आचार्य कहते भैया हम तुम यहाँ पर तुम्हें संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठे, तुम्हें संतोष करने की बस हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो सत्य हैं वो बताएंगे, बराबर। और सत्य को जो समझ लेता है तो अपने आप संतुष्ट हो जाता है, बाकी तो असत्य में कोई कैसे संतुष्ट हो सकता है। आपको ये सुनना अच्छा लगे कि दुख के समय में रोने से पुण्य बनता है तो हमारा तो दोनों काम हो जाएगा, क्या कि हमारा रोने का मन होता है तो रोना का रोना और पुण्य का पुण्य, 2-in-1 क्या? आचार्य कहते हैं दुख के समय रोने से पुण्य पुण्य नहीं बनता, बल्कि आर्त ध्यान होने के कारण, रौद्र ध्यान होने के कारण पाप ही बनता है। तो क्या करें, तुमने तो हमारे दुख में रोने का भी अधिकार छीन लिया, कोई ऐसा कहे तो हम उससे यही कहेंगे भैया हम तेरे रोने का अधिकार नहीं छीन रहे, तुझे कभी रोना ना पड़े ऐसी बात बता रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मैं कि नहीं आया है, चीज को समझ रहे हो ना भाई, गंभीर बात है, है? कि आज लोगों को ये लगी, बताओ जैन धर्म तो गजब है, ना खुशी में हंस सकते हो ना दुखी में रो सकते हो, करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, बताएं तो बताएं क्या, हंसने पर पाबंदी, रोने पर पाबंदी, क्रोध पर पाबंदी, मान पर पाबंदी। देखो भैया
पाबंदी हमने लगाई नहीं है, पाबंदी हमने लगाई नहीं है, तुम्हें जो करना है हम तो सब बता रहे हैं कि ये खड्डा है, यहाँ खाई है, यहाँ ये सांप घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, अब हम रोक नहीं रहे तुम्हें, जाना हो तो जाओ, गिरना हो तो गिरो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैन धर्म क्या है ये चीज समझना पड़ेगी। आचार्य ने कुछ रोका नहीं, तुम्हें रोने का अधिकार नहीं छीन रहे, क्योंकि हमने तुम्हें दिया नहीं अधिकार रोने का, तुम छीनने वाले कौन होते हैं? हम तो ये बता रहे हैं कि तुम आंसू भर भर के निकाल पता क्या कर लोगे, पा क्या लोगे, और कर्म बांधोगे, और कर्म बांधोगे तो और दुखी होगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? इसीलिए ये चीज को जरा विचारना कि ये कोई हम आचार्य कह रहे हैं कि हम तुझे संतुष्ट करने के लिए बोलते तो ऐसा बोलते कि भैया दुख के समय, तीव्र दुख के समय, आज भी मैं एक अपने मामा से ही मिलकर आया, बराबर, अब वेदना में बार बार रोए, वो बार बार रोए, रोने के अलावा और कुछ समझ में नहीं है, बोले सही नहीं जाती, सही नहीं जाती। मैंने कहा देखो दो उपाय है, मैं कह सकता हूँ और आप समझ सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है, ना मैं आपका कुछ कर सकता हूँ और ना आप मेरा कुछ कर सकते। अब आप एन टाइम पर कोई ये चाहे कि कोई आपकी वेदना को बांट ले, कोई आपके दुख को कम कर दे, तो ऐसा कैसे शक्य है भाई साहब? जैन धर्म का पहला पाया बताता है कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मैं क्या हूं? कोई भी आ जाए, किसी के भी दुख को रत्ती मात्र कम नहीं कर सकता, किसी के भी दुख को रत्ती मात्र बांट नहीं सकता। बता सकते हैं कि भैया ये दुख तू नहीं, ये दुख तेरा स्वरूप नहीं, ये दुख तेरी भूल से उत्पन्न हुआ है, और जैसे ही भूल सुधरेगी तो दुख भी चला जाए, बता सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी इस बताने के अलावा और कोई और उपाय वहां पर होता नहीं है, लेकिन क्या करें, बताएं तो सब, पाएगा कौन? जो समझेगा वो ही पाएगा ना, जो समझता ही ना हो वो पाएगा कहां से, है ना? तो ये समझना, तो रोने को अधिकार मत समझना, रोने को कमजोरी समझना, है ना? आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लेना कि भाई ये भी कर्म के उदय कारण आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना नहीं। क्यों है दुख का कारण? लोग कहते हैं बड़ी गजब भ्रांति है रोने के बारे में कि रो के मन हल्का हो जाता है। बताओ भैया जीवन में कितनी बार रो चुके, अभी तो मन हल्का हो गया, एकदम गुब्बारा बन गया होगा, एकदम हल्का हल्का फुल्का ममरा है, बोलो क्या कभी ऐसा हुआ? हल्का वो हल्का फिर से भारी हो जाता है, ये क्या दो आंसू निकाल कर मन को हल्का करना चाहते हो? अरे मोह को निकाल दो, आंखों से आंसू निकालने से मन हल्का नहीं होता, दृष्टि में से मोह निकाल कर सम्यक दृष्टि होने से मन हल्का होता है। ध्यान समझना, आप लोग शॉर्टकट पकड़ना चाहते हो, विपरीत दुख की परिस्थिति में खासकर माताओं बहनों की तो रोने में मास्टरी होती है, जरा सी बात आ गई और उन्होंने दो आंसू निकाले और फ्रेश भी हो जाती है वो, और वो फ्रेश ऐसी होती है शाम तक फिर रोने लगती, उनका रोना भी क्षणिक होता है, रोकर हल्का होना भी क्षणिक होता है, और हल्का होकर फिर से भारी होना भी क्षणिक होता है, वो हल्का भारी उनकी प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। मैं उस मनोदशा को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता हूँ इस समय, है बराबर कहना है, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था को जरूर समझ सकता हूँ। वस्तु व्यवस्था ने हमें ये बताया है कि आंखों से तो आंसू निकाल कर जो हल्कापन फील होता है वो दो मिनट बाद भारीपन में बदल जाता है, लेकिन अंदर आत्मा से, आत्मा की दृष्टि से मोह निकाल कर सम्यक दृष्टि पाने से जो हल्कापन फील होता है वो सादी अनंत काल तक टिका हुआ रहता है, बराबर। इसीलिए शॉर्टकट मत खोजो, व्यवस्थित मार्ग सोचो। व्यवस्थित मार्ग क्या है? आंसू निकालना नहीं, मोह निकाल, आंखें हल्की करना नहीं, सम्यक दृष्टि होना, बराबर। ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और उसका उपाय हम कर ही दें, उसका उपाय स्वाध्याय करना है, ये
इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, समझे ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूप परिणाम असाता वेदिनी के आश्रव के कारण है। अब देखो अपन आगे जाते हैं। देखो दुखादि जब स्वयं में किए जाते हैं तब अरति रूप परिणाम है, वो संक्लेश है और आर्त ध्यान है। जब दुख स्वयं के लिए हो रहा है तब कैसा होता है, अरति रूप परिणाम होता है। अरति मतलब अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इस जाति के परिणाम होते हैं, संक्लेश होता है। और वही संक्लेश क्या है, आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान क्या है, आर्द्र होना, चित्त का दुखी होना, आर्त ध्यान। स्वयं में हो रहा है तो अब वो परिणाम हो रहा है तो क्या करें, तो वो सब अरति रूप परिणाम आर्त ध्यान। अब देखो रौद्र ध्यान क्या है, दुखादि जब दूसरों को किए जाते हैं तब क्रूर परिणाम। देखो स्वयं की बिना अरति रूप कषाय के स्वयं दुख भोगना सबके नहीं है, और बिना क्रूर परिणाम के दूसरों को दुख देना शक्य नहीं है। क्या आप बिना क्रूर परिणाम के किसी दूसरे को दुख दे सकते हो, है बताओ। मतलब किसी को दुख देने के लिए आपको क्रूर होना पड़ता है, होना पड़ता कि नहीं होना पड़ता, कि आप क्रूर हुए बिना तो आप दूसरों को दुख नहीं दे सकते। इसीलिए आचार्य जैन परंपरा, भारतीय परंपरा इसमें बहुत ध्यान दिया। भारतीय परंपरा में ऐसे क्रूर शासक क्यों नहीं हुए, पहले शक्तिशाली थे लेकिन क्रूर नहीं थे। इसीलिए वो भारत की तरफ से कोई अलेक्जेंडर नहीं हुआ, भारत की तरफ से कोई गजनी नहीं हुआ, भारत की तरफ से कोई हिटलर नहीं हुआ, बराबर। वो मोदी ने बोला था ना एक बार, बहुत अच्छा एक शब्द बोला था इसकी सभा में, यूएनओ की सभा में बोला कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। बहुत अच्छा उसका पॉपुलर स्टेटमेंट है। क्या कि भारत ने कभी भी युद्ध नहीं दिए, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए। कारण क्योंकि हमारी संस्कृति में ही क्रूरता नहीं, हमारी संस्कृति ये जानती है कि भाई क्रूर राम जी शक्तिशाली थे, लक्ष्मण शक्तिशाली थे, सब थे, लेकिन वो रावण को का वध करने के लिए उसके जैसे नहीं हुए। बात समझ में आई कि नहीं। उन्होंने अपने गौरव को बनाए रखकर उसका उस समस्या का समाधान किया। आजकल क्या हो जाता है कि हमारे अंदर में एक बहुत बड़ा दुर्भाव आ गया है, हमारे को प्रेम का बल कम है, कषायों का बल अधिक लगता है। क्या शब्द बोल रहा हूँ, गांधी जी की भारत को सबसे बड़ी देन क्या है, गांधी जी ने सत्याग्रह की बात बताई, प्रेम की बात बताई, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें प्रेम पर इतना भरोसा है कि हम अपने प्रेम पूर्ण आचरण के द्वारा दूसरे का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ये बड़ी गजब बात है, आज के लोगों की हजम नहीं होती उनका। आज के लोगों को कौन सी बात हजम लगती है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जेवा न तेवा। अगर तू हमसे अच्छे से बात करेगा तो अच्छे से, तू एक मारेगा तो हम दो, तू दो गाली देगा तो हम 10, तू मेरी हाथ तोड़ेगा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, तू मेरी टांग तोड़ देगा तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मतलब हर चीज में टिट फॉर टैट। मतलब हमें ये लगता है कि कषायों का बल प्रेम के बल से ज्यादा, इसलिए कसायों के द्वारा हम परिस्थिति बदल सकते हैं लेकिन प्रेम के द्वारा नहीं बदल सकते। किसका बल ज्यादा हो गया बताओ, कसायों का हो गया। अरे भैया तुमने अपनी खूबी को खो दिया और खामी को पकड़ लिया, क्रूरता को तुमने हथियार बना लिया, शांति और प्रेम को हथियार नहीं बना पाए। बोले साहब हम करते हैं लोग मानते नहीं है, तो गुस्से से भी कहाँ मानते हैं, तुम्हें इतना बता दो। चलो गुस्से से मान जाता है, गुस्से से तुम्हारे सामने नहीं कर रहा, पीठ पीछे तुम्हारी बिगाड़ करेगा। अल्टीमेटली परिवर्तन तो हृदय परिवर्तन है, जब आप मूलभूत चीज को समझते हो। आज यही हो रहा है, विदेशी लोगों के प्रभाव में हम अपनी मूल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम बुद्धत्व से दूर होते जा रहे हैं,
हम युद्ध को, दिखावे को, कषायों को, इनकी ताकत पर भरोसा करते हैं, प्रेम की, अहिंसा की ताकत पर भरोसा कम, इसलिए क्रूर परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों को दुखी देते देते हम खुद बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी आप देखना, फील करना इस बात को, मैंने तो बहुत फील किया है कि कभी किसी को दबाने वाला व्यक्ति है ना, स्वयं में सुख की अनुभूति नहीं करता। आप गुस्से में किसी को दबाओ 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 करोगे ना, तो आप अपनी मधुरता खो दोगे। आपने फील किया कभी जीवन में? मैनेजर को ऑफिस में 50 लोगों को डांट डपट करके काम करवाने में आनंद नहीं आता, और घर जाके अपने 5 साल के बेटे के साथ में खेलता है तो खुश हो जाता। डांट डपट करने में खुश होता तो वो ऑफिस से फ्रेश होकर आता, और बच्चे की अगर कुछ करता है तो दुखी हो जाता। लेकिन बताओ, घर में 5 साल के बच्चे के साथ घोड़ा बन जाता है, तकिया तकिए के साथ खेल लेता है, कोई भी काम कर लेता है और खुश हो जाता है, और पूरे के पूरे और स्टाफ जिसके नाम से कांपता हो थर थर, पूरे दिन भर डांट डपट करे तो भी लास्ट में आज तो माथा भारी थे, आखो दिवस ककड़ाट में गया। यानी क्रूरता से कोई प्रसन्न नहीं होता। पूरे दिन अगर डांटने डपटने में आनंद होता ना, तो पूरे दिन डांट डपट कर वो खुश हो जाता है, लेकिन अंत में खुश उसे कहाँ मिलता है? घर पे जाता है, सारी की सारी क्या कहते हैं अपनी कषाय को छोड़ता है, बच्चों के साथ बच्चे जैसा हो जाता है, परिवार के साथ हिल मिल जाता है, बस रिलैक्स हो गया, बस अब उसको दूसरे दिन के लिए फ्रेश हो जाता। सोचो, दिन भर बिताता है वहां पर, घर में बिताता है 1 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन दिन भर में थकता है और 1 घंटे में रिचार्ज हो जाता है। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, कहना क्या चाह रहा हूं, क्रूरता कभी भी आपको प्रसन्न, इसलिए कभी किसी को दबाने की मत सोचो, कभी किसी को दुखी करने की मत सोचो, क्योंकि उसको दबाने के चक्कर में आप कर्मों से दब जाओगे। किसी को दुखी करने के चक्कर में आप दुखी करने वाले अनंत कर्मों को बांध लोगे, कठोरता कठोरता करके आप पत्थर जैसे हो जाओगे। इसीलिए नकारात्मकता के साथ में नहीं, सकारात्मकता, प्रेम पूर्ण। मुझे मालूम है गुस्सा करना बड़ा सरल सा उपाय है, गुस्सा करना कोई सिखाया नहीं जाता। वो 1 साल का बच्चा ना, वेदांश पियो ना वेदांश, उसकी मर्जी का खिलौना नहीं देगा ना तो कप फेंक देगा, सेल रिमोट फेंक देगा, मतलब वो गुस्सा करना सिखाया नहीं जाता। क्रोधपूर्ण आचरण में क्रूर हो जाना सिखाया नहीं जाता, अनादिकालीन कषायों के कारण हम स्वयं सीख जाते। सीखना ये है कि क्रोध के उदय में भी समता कैसे हो, कोई सामने हमारे को बुरा कहता हो, हम प्रेम से उसका समाधान कैसे करें। क्रोध की ताकत पर भरोसा नहीं, प्रेम की ताकत पर भरोसा करो, तत्व ज्ञान की ताकत पर भरोसा करो कि प्रेम के बल से हम इस दूसरे को बदल देंगे, और अगर दूसरे को नहीं बदल पाए तो कम से कम तत्व ज्ञान के बल से हम नहीं बदलेंगे। दो चीजें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? प्रॉमिस करते हो मेरे से? करते हो? कठिन काम है, आसान नहीं है, यहाँ बैठ के सर हिलाना बड़ा आसान है, लेकिन क्रोध आदि की परिस्थिति में क्रोध नहीं करना है, प्रेम पूर्ण रहना, ये एट ए टाइम कठिन पड़ता है, उपदेश देने में सबसे सरल, उपदेशक को भी सरल, कुछ करना क्या, उठाया मुंह चला दिया बस, आपने कान से सुन लिया, ना बोलने वाले को कोई उससे वजन पड़ रहा है, ना सुनने वाले को वजन पड़ रहा है। वजन पड़ रहा है क्या? मुझे तो कहते टाइम बिल्कुल वजन नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये जो मैं कह रहा हूँ उसे मुझे अमल करने के लिए वजनदारी के साथ, मतलब बहुत सावधान है, जरा सा भी इधर उधर हुआ ना तो वो सारा उपदेश गया पानी में, कहने वाले को भी याद नहीं रहेगा तो सुनने वाले की क्या गारंटी है? बात समझ में आ रही ना? इसीलिए काम भारी है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, विभावों के अधीन होकर परिणमित होना बड़ा सरल काम है, बराबर। और तत्व ज्ञान की क्या ना, तलवार के मार्ग पर चलने जैसा कठिन काम, रत्ती मात्र भी यहां से वहां जाने की जगह नहीं, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो दो बातें,
क्रोध की ताकत पर भरोसा ना करने की बजाय इसको अपना टूल बनाओ प्रेम को, सद्भाव को, सद्भावना को, और ये कहो कि भाई हम क्रोध से नहीं बदलेंगे, हमें अगर इसे बदलना होगा तो हम सद्भाव से बदलेंगे, प्रेम से बदलेंगे। और अगर प्रेम और सद्भाव से वो बदला तो ठीक, नहीं तो तत्व ज्ञान के बल से कम तीसरी लाइन क्या बोली थी मैंने, क्रोध से नहीं बदलेंगे, सद्भाव से बदलेंगे, और वो नहीं बदलता तो तत्व ज्ञान के बल से कम इतना निर्णय लेंगे कि हम नहीं बदलेंगे। उसकी वो जाने, उसकी होनहार अच्छी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, है? ख्याल में? लेकिन हाँ, हमको तत्व ज्ञान का बल है तो हम नहीं बदलेंगे, पूरी दुनिया बदल जाए मगर हम नहीं बदलेंगे, ऐसी दृढ़ता अंदर में तत्व ज्ञानी जीव को होनी चाहिए। देखो अभी को अच्छी बात आई, प्रश्न यहाँ पे काउंटर प्रश्न किया कि केश उंचन आदि क्रियाएं तो दुख उत्पन्न करने वाली होने से इन्हें भी असाता वेदनी के आश्रव का कारण मानना चाहिए, क्या कहना है? केश रुंचन करना कितनी, दिगंबर मुनिराज को कितनी ज्यादा जटिल और बड़ी बड़ी क्रियाएं करते, क्या ये भी असाता वेदनी के आश्रव के कारण है? उत्तर क्या लगता है आपको? है दुख तो हो रहा है वहां पर भी, केस लॉन्च करने में कभी बाल खींच के देखो, अभी खींच के देखो, जितेन भाई आपके मेरे दोनों के बहुत कम है फिर भी खींच के तो देख सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। तो क्या वो दुख का कारण होने से असाधा विधि का आश्रय लगता है? बोलो खुशी बहन क्या कहना है? सर वेदन पे निर्भर अगर करता है तो उनको वो मोह नहीं है इसलिए उनको वेदना भी असाता वेदन नहीं होता है, असाता क्योंकि वो भारी चीज है और उनको वेदन ऐसा नहीं होता है। देखो उसको ऐसे समझना, अभिप्राय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभिप्राय क्या है? आपका अभिप्राय स्वयं को दुखी करने का है या अन्य को दुखी करने का है, पहले बताओ। तो मुनिराजों से पूछो कि आप केस लॉन्च करके क्या आप खुद को दुखी करना चाहते हो, कि केस लॉन्च करके अन्य को दुखी करना चाहते हो, तो मुनिराज बोलेंगे नहीं भैया, हम ना तो अन्य को दुखी करना चाहते, अन्य को दुखी नहीं करना चाहते, तो तय है कि भाई वो छरी का इस्तेमाल करते, अस्तरे का इस्तेमाल करते तो अन्य दुखी होते, लेकिन कई लोगों को ये नहीं बैठती है कि खुद को भी दुखी नहीं करना चाहते। हाँ मुनिराज खुद का ना तो दूसरों को दुखी करने में इंटरेस्ट है ना खुद को दुखी करने में इंटरेस्ट है, एक्चुअल में वो दूसरों को भी सुखी करना चाहते हैं और खुद को भी सुखी करना चाहते हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मुनिराज का केश रोंचन और आहार दोनों आत्मा को सुखी करने के लिए है। लोगों को ये लगेगा आहार तो आत्मा को सुखी करने के लिए है और केस लॉन्च दुखी करने के लिए, बराबर है? है पारुल बहन, कगना बहन क्या कह रहे हैं, समता बहन है? हमें क्या लगता है, हम अपने नजरिए से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि आहार करना तो सुखी करने के लिए है और केस लॉन्च करना दुखी करने के लिए, बराबर है? है क्या कह रही थी समता बहन, बोलो। नहीं 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 बराबर नहीं है, क्या अंतर है साहब? दोनों क्रियाएं स्वयं के सुखी के होने के लिए, दोनों ही सुखी के लिए। अब कैसे है साहब, आहार करना सुखी के लिए कैसे है और केस लॉन्च करना सुख के लिए कैसा है, और आत्मानुभवन करना भी सुख के लिए। मुनिराज दुख का कोई सौदा नहीं करते, हाँ ध्यान रखना, जो लोग मुनिराज को दुखी मानते हैं वो बहुत बड़ी भूल करते हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा दर्शन मोहिनी के कर्म बंद कर दे। मुनिराज का दुख में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो आहार भी सुख के लिए करते हैं, केस लॉन्च भी सुख के लिए करते हैं और आत्मा का अनुभवन भी सुख के लिए करते हैं। कैसे? मुनिराज को अहिंसा व्रत सुखमयी लगता है। क्या लगता है? मुनिराज को अहिंसा व्रत सुखमयी लगता है और अहिंसा व्रत का पालन
केस लॉन्च के माध्यम से होता है, इसीलिए वो सुख के लिए ये करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और फैक्ट भी है, कैसा सुख है उनको? समता का सुख है। कैसा सुख है उनको? स्थिरता का सुख है। हम लोगों को दुख है, बाल का दुख है, खाल का दुख है, माल का दुख है, कितने दुख है हमारे पास है? बाल का दुख, बाल खींच ना जाए, खाल मतलब शरीर का, माल मतलब पैसे, गंदे पानी इत्यादि का, कितने दुख। मुझे आज कहते भाई दुख के धंधे में पड़ते ही नहीं है। बाल है ना बाल, बोले इनको रखने में अहिंसा व्रत का घात हो रहा है, बोले एक अंकुर हाथ से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अहिंसा का अगर पालन नहीं करेंगे, हिंसा करेंगे तो कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो वर्तमान में दुखी और अशुभ गति में गए तो वहां जाके दुखी। तो ऐसे दुख का काम क्यों करना? इसीलिए केस लॉन्च भी किसके लिए करते हैं? वो सुख के लिए। आहार भी क्यों करते हैं साहब? वो भी सुख के लिए। बोले आहार तो, अरे भाई समझ, जो रस के लिए आहार करे सो दुखी होने के लिए आहार कर रहा है, और जो आत्मानुभूति के लिए विचार करे कि अरे ये आहार के द्वारा जो स्थिरता मिलेगी उसको मैं आत्मानुभवन में प्रयोग करूंगा। तो आत्मानुभवन के लक्ष्य जब आप आहार करते हो तो आपका आहार आहार नहीं होता, एष्णा समिति हो जाता है। क्या हो जाता है? आहार आहार नहीं रहता, वो एष्णा समिति हो जाता है, और एष्णा समिति हो जाता है तो सुख का कारण बन जाता है। तो मुनिराज का केस लॉन्च, मुनिराज का आहार और मुनिराज का आत्मानुभवन, तीनों में ना पर को दुखी करना है ना स्वयं को दुखी करना है, तीनों में व्रत की तीनों में अहिंसा व्रत। हाँ अहिंसा, हाँ ये अहिंसा व्रत का भी रहता है, समझाना नहीं चाहिए थी। केस लॉन्च ना करो, बाल मोटा मोटा रखो तो शू थे? हाँ जीवा थे तो हिंसा थे, थे कि नहीं थे? केस लॉन्च मोटा मोटा जीवा दी तो स्नान व्रत, राइट राइट। पची તમે એ કરવા માટે રેજર થી અસ્તરાતી કરો તો છોટા છોટા નાના નાના જીવો છે એમનું શું થશે? તો ઘાત થશે। તો મુનિરાજ એક હાથ એમ કેસ લોન્ચ થી આવું બધું કરે છે ઓર ઉસમે ભી ઉને દુખ હોતા હૈ ઇસલિયે ઉસ દિન ઉપવાસ રખતે હૈ। આપકો પતા હૈ કેસ લોન્ચ કરને કો મુનિરાજ અચ્છી ક્રિયા નહીં માનતે, મજબૂરી મે કરના પડતા હૈ। उन्हें लगता है कि अब करनी पड़ रही है, कोई बड़ा हो उसका अल्टरनेट नहीं है, तो जिस दिन केस लॉन्च करते हैं उस दिन उपवास करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो अपने आप, तो क्रोध आदि के कारण द्वेष पूर्वक होने वाले स्वपर और उभय के दुखादि परिणाम पापाश्रव के हेतु माने गए हैं, और स्वेच्छा से आत्मशुद्धि के अर्थ किए जाने वाले तप आदि बंध के कारण नहीं माने। देखो अगर दुख के दुख देने के उद्देश्य से या दुखी होने के उद्देश्य से स्व पर उभय के जो दुखादि परिणाम होते हैं उनको पापाश्रव कहा है, ना कि जो आत्मा की विशुद्धता के अर्थ काम किए जाते हैं उनको पापाश्रव नहीं कहा। ऐसे तप आदि को बंध का कारण नहीं कहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ देखो आगे अपन बढ़ते हैं। अब इसके विपरीत पहले तो असाता की बात करी, तो बोले सब साता वेदनी किस कारण से होती? बोले अब साता वेदनी होता है तो क्या होता, पहले समझ लो। आपको जगत में जितनी अनुकूलता मिलती है वो सब, अथवा सरल भाषा में कहें तो आप जिसे भी पुण्य का उदय कहते हो वो सारा पुण्य का उदय साता वेदनी है और कुछ नहीं है, बराबर। लेकिन ध्यान रखना, संयोग के रूप में साता वेदनी आता है लेकिन सुख के रूप में नहीं आता। आप ध्यान रखना इस बात को, संयोग के रूप में आ रहा है, संयोग और सुख अलग अलग। सिचुएशन के रूप में साता वेदनी के कारण अनुकूल परिस्थिति आपको मिल रही है, लेकिन भूलकर भी आप ये मत समझ लेना कि अनुकूलता हुई तो मैं सुखी हो गया। कभी किसी को नहीं हुआ। एक्चुअल में संयोग के माध्यम से सुखी होना ही नितांत भ्रम है। मैं कल ही बच्चों को लेकर ऊपर खेल रहा था, बराबर,
तो वैदेही बोलती है वेदांश को देखकर कि ये कितना लकी है। अरे मैंने इसको क्या हो गया, मैंने क्यों भाई ये क्यों इतना लकी है, बोले इसको तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, होमवर्क भी नहीं करना पड़ता, मुझे तो स्कूल भी जाना पड़ता है, होमवर्क भी करना पड़ता, मतलब दुखी दुखी हो गई। अरे सुखी सुखी है, मैंने बेटा जब हम बड़े हुए तो हमें तू सुखी लगती तू 8 साल की तो 2 साल वाला सुखी लग रहा है, जब तू कॉलेज में गया था तो स्कूल वाला सुखी लग, 10th 12th में थे ना तब आप क्या कहते हो, आज 4th 5th सारा था जेटू बढ़वानू बढ़ो नहीं बढ़ो तो नहीं बढ़ो बराबर। कॉलेज और उसकी जॉब की स्ट्रगल में हुए तब कॉलेज लाइफ अच्छी लगने लगी, तब फ्री थे तब सुखी थे बराबर। घर परिवार में आए तब स्ट्रगल अच्छा लगने लगा बराबर। थोड़े बड़े हो गए जिम्मेदारियां आई तब जाके वो शुरुआती जीवन वैवाहिक जीवन वो अच्छा लगता है, मरण हो जाने के नजदीक आ जाते हैं तब प्रौढ़ अवस्था परिपक्व अवस्था अच्छी लगती है। यानी हर जगह संयोगों में हमने एक एक नियम पालन किया है, कौन सा कि जो जिस समय है उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में उसी को याद कर करके हम रोते हैं, होता है कि नहीं होता है ऐसा बताओ। अभी तक के जीवन से लगा लो, अभी ये तो मैंने 5-6 स्टेज बताई, 5-6 स्टेज में आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पर आप लगा लो कि जिस स्टेज पर आप हो वो आपको दुखमय लगती है और उसके पहले की एक स्टेज आपको सुखमय लगने लगती है। ये तुलना आपकी मतलब जैसे मैंने वैदेही का एग्जांपल दिया, तब से चालू होकर कब तक चलती रहती है कि जब आप मरण पे हो ना 75-80 साल के उठ नहीं पाते तब क्या सोचते हो, अरे 1-2 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत सुखी थे, उठ जाते थे बैठ जाते थे खा लेते थे पी लेते थे यहाँ से बाहर तक चले जाते थे, मतलब वो काम भी आपको सुखमय लगता था, हालांकि उस समय नहीं लगता था क्योंकि तब आप अपनी और पिछली अवस्था को देख रहे, उसके बाद में आप और पिछली अवस्था को देख रहे हो। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, ये जीवन नहीं निकल जाता है ऐसे गधे के आगे गाजर लटका दिए जैसे गधे क्या कर गाजर लटका दी, समझ गए ना वो मुल्ला नसरुद्दीन वाली कहानी आती, गधे को लेके जाना है तो गधे को कहाँ तक दौड़ाए, तो ऐसे तो दौड़ेगा नहीं, तो एक लकड़ी से गाजर लटका दी, अब वो गाजर पकड़ने गधा जाए तो गधे को पकड़ा हुआ तो नसरुद्दीन था ना वो मुल्ला, तो वो आगे जाए तो और आगे चली जाए, आगे जाए तो और आगे चली जाए, ऐसे कैसे उस गधे ने पूरा रेगिस्तान दूर पार कर लिया लेकिन गाजर हाथ में नहीं आई। हमने भी संसार का पूरा रेगिस्तान लगभग पार कर लिया है तो भी सुख की गाजर सामने नहीं आई, कारण क्योंकि अभी तक हमने संयोगों में सुख को माना है, स्वभाव में सुख को नहीं माना। ये बात समझ लेना। तो संयोग अच्छे कैसे होते हैं उनके लिए एक सूत्र आया, वो जरा विचारने वाला है, क्या साता वेदनी के आश्रय के कारण। तो भूत वृत्यानुकंपादान, बोलो भूत वृत्यानुकंपादान, सराग संयमादि योगः, सराग संयमादि योगः, शान्ति शौचमिति सद्वेदस्य, शान्ति शौचमिति सद्वेदस्य। भूत मतलब भूत पलित की बात नहीं चल रही, भूत मतलब प्राणी, व्रति मतलब व्रति प्राणी, अनुकंपा उनके ऊपर अनुकंपा मतलब करुणा के प्रणाम करना, दान आदि के प्रणाम करना। देखो गजब है ना जो बात कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, उसका सीधा सा नियम है कि प्रशस्त परिणाम से साता वेदनी बनता है, तो वो उदय में आएगा तो आपके पास में और धन आदि होगा। सराग संयम यानी व्रत आदि योग है ना।